कितनी गोलियां दाग सकता है AK-47? क्या हम भारत में वैध तरीके से खरीद सकते हैं AK-47? कितनी खतरनाक है AK-47 राइफल? पुलिस, सेना और आतंकी क्यों चलाते हैं AK-47? कौन सी बेहतर, इंसास या AK-47 या AK-203? कितनी पावरफुल है AK-47 राइफल? क्या भारत में AK-47 राइफल बनती है? क्या इसे चलाने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है? आज हम आपको AK-47 को लेकर आपके मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको देखनी होगी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। फिल्मों से लेकर पंजाबी गानों तक, अगर डायरेक्टर को हीरो का भोकाल दिखाना हो तो हीरो के हाथ में AK-47 थमा दी जाती है। फिल्मों में गन कल्चर को आकर्षक ढंग से दिखाने के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद AK-47 राइफल होती है। AK-47 का क्रेज जितना रूपहले पर्दे पर है, उससे कहीं ज्यादा असल जिंदगी में है। आए दिन ईडी, सीबीआई और पुलिस की छापेमारी में अवैध AK-47 राइफल बरामद होती रहती है, जिसके नाम से ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। वो राइफल है AK-47। इस राइफल का इस्तेमाल भारत में केवल आर्मी या पुलिस की स्पेशल फोर्स ही करती है। इनके अलावा इसका इस्तेमाल आतंकवादी अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए भी करते हुए देखे गए हैं। इतनी सख्ती के बावजूद AK-47 राइफल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। AK-47 राइफल के नाम में ही इसे बनाने वाले का नाम और बनाने का समय भी छिपा हुआ है। ए का अर्थ है ऑटोमेट, अर्थात यह हथियार स्वचालित है। के आविष्कार के नाम का हिस्सा है, यानी क्लाशिको, और 47 का अर्थ है कि यह हथियार 1947 में निर्मित हुआ। रूस में 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर आने वाले मिखेल तिमोफेविक क्लाशनिकोव नामक व्यक्ति ने AK-47 राइफल बनाई थी। इस राइफल का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिको 1947 है। क्लाशनिको का जन्म 10 नवंबर 1919 को और निधन साल 2013 में 94 साल की उम्र में हुआ था। गरीबी के कारण 6 साल की उम्र में उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। बाद में मुश्किल से उनकी जान बच सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो टैंक कमांडर थे जो घायल हो गए थे। उन्हें जर्मन हथियार और उनकी डिजाइन बहुत पसंद आती थी। वो खुद ऐसी राइफल बनाना चाहते थे जो बिना फंसे लगातार किसी भी मौसम और जगह पर गोलियां बरसा सके। दुनिया भर के करीब 106 देशों में AK-47 असॉल्ट राइफल स्टैंडर्ड इन्फेंट्री हथियार के तौर पर प्रयोग की जाती है। अनुमान है कि AK सीरीज के सभी वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसकी करीब 10 करोड़ राइफल्स दुनिया में है। इसके सभी वेरियंट्स बंदूक प्रेमियों, सैनिकों, विद्रोहियों और आतंकवादियों के बीच बहुत पसंद की जाती है। हालांकि अमेरिका में AK सीरीज की राइफल को बुरे आदमी का हथियार कहा जाता है। AK-47 का AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल है। इसके बावजूद अमेरिकी बंदूक प्रेमी और सैनिक इसे बहुत पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि हर सेना इस बंदूक को चाहती है। जिस साल भारत आजाद हुआ था, उसी साल रूस में मिखेल क्लाशनिको की AK-47 राइफल की पहली मिलिट्री ट्रायल हुई थी और उसके साथ ही रूस की सेना में इसे शामिल करने का आदेश भी दिया गया। वहीं भारत की सेनाओं के पास AK-47 या AK-56 कितनी है, इसका सटीक आंकड़ा आधिकारिक तौर पर बता पाना मुश्किल है। लेकिन भारत और रूस के बीच अत्याधुनिक AK-203 बनाने का समझौता हुआ है। भारत में आपको यह बंदूक वैध तरीके से भी नहीं मिल सकती। अगर आप अमेरिका में हैं, तो यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य में हैं। उसके नियमों के मुताबिक ही राइफल मिलेगी, लेकिन भारत में आपको यह बंदूक वैध तरीके से नहीं मिल सकती। रूस समेत दुनिया के 30 अन्य देशों को भी इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें भारत, चीन, इजराइल, मिस्र, नाइजीरिया आदि देशों के नाम भी शामिल है। इनमें चाइना सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है, जिसके तहत करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल्स बनाई जाएगी, जो सिर्फ सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, STF आदि को दी जाएगी। इसे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के
अमेठी जिले के कोरवा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई जाएगी। यह केवल 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है और इन्हें केवल 1 मिनट में जोड़ा भी जा सकता है। AK-47 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग के अंदर 600 राउंड गोली फायर कर सकता है। यह इतनी पावरफुल है कि यह कुछ दीवारों, यहाँ तक कि कार के धातु के दरवाजे को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। इसमें 7.62x39mm की गोलियां भरी जाती है। सेमी ऑटो मोड में 40 राउंड प्रति मिनट और बस्ट मोड में 100 राउंड प्रति मिनट निकलती है। आमतौर पर इसकी रेंज 350 मीटर है। गोली 715 मीटर प्रति मिनट की दर से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसकी तीन तरह 20 राउंड, 30 राउंड और 75 राउंड की ड्रम मैगजीन आती है। अगर पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और घातक राइफल की बात की जाए तो और कोई नहीं है तो वो है AK-47। इसी रेंज में आने वाला दुश्मन सीधे यमराज के पास चला जाता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से हर साल करीब 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। अगर किसी को राइफल चलानी है या जरूरी तौर पर रखनी है तो पहली काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसे चलाने के लिए वैध इंसान हो, प्रोफेशनल हो। कहा जाता है कि दुनिया भर में इस राइफल की कालाबाजारी होती है जो आसानी से कम कीमत पर भी मिल जाती है। गर्मी हो, बर्फीला इलाका हो या फिर ह्यूमिडिटी वाला मौसम, यह पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ चलती है। ये दावा किया जाता है कि AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा अवैध रूप से बिकने वाली राइफल भी है। एक स्टडी के मुताबिक बताया तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में यह राइफल करीब $150 यानी 11,500 रुपए के लगभग मिल जाती है। वही अमेरिका में आप इसे करीब $3,600 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए में से ज्यादा देकर इसे खरीद सकते हैं। मतलब देश और पसंद के मुताबिक इसकी कीमत है। अफ्रीका के कई देशों में इसकी कीमत काफी कम हो जाती है क्योंकि यह वहां की सेना और विद्रोही समूहों के काफी ज्यादा पसंद की जाती है। यहां का बाजार इस राइफल से भरा पड़ा है। AK-47 राइफल का इस्तेमाल भारत में केवल आर्मी या पुलिस की स्पेशल फोर्स ही करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पूरी तरह अवैध है। इसे रखना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अगर ये किसी भी आम या खास आदमी के पास से बरामद की जाती है तो उसके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती है। साथ ही इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। इसका AKM वर्जन इस दुनिया का या फिर यूं कहें इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल का वर्जन है। बता दें कि फुल लोड होने के बाद भी इसका वजन मात्र 4 किलो होता है। इसके अलावा भी ये बंदूक कई खासियतें रखती है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल भी है। इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।